यार पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है और रात को 1:30 बजे 2:30 बजे 2 बजे कभी भी ऐसा दर्द शायद आपने महसूस किया होगा या फिर किसी कारण इनडाइजेशन हो गया उसके साथ साथ डायरिया हो रहा है और या फिर IBS पेशेंट्स तो पूछा मत। ये जो दर्द हो ना ये एक इस बहुत बड़ा डरावने एक वक्त होता है और मैं खुद इस वक्त से गुजर चुका हूँ और इसलिए जब भी ऐसा दर्द होता है स्टोमक पेन एब्डोमिनल पेन अनबियरेबल पेन जिसका रामबाण इलाज सिर्फ एक दवा से मुझे मिला और उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाइजेशन रिलेटेड बीमारी है जिसमें पेट दर्द रहता है, पर्टिकुलरली कुछ लॉन्ग लास्टिंग बीमारी जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा बीमारी जो आपके साथ बहुत सालों तक रहने वाला है, तो आपको ये जो मेडिसिन के बारे में दवा के बारे में आज बात करेंगे ये दवा आपको ज़रूर अपने बैग में हमेशा रखना चाहिए। मैंने सारे दवा ट्राई करके देख चुका था। मैं मेबेवेरिन ट्राई किया था जो मेबेसार बोलते हैं उसको, मैंने डिकॉलिक ट्राई किया था, मैंने मेफ्टल्स्पास ट्राई किया था, तो ऐसे हज़ारों दवा मैंने ट्राई किया था। ये जो दर्द होता है अनबियरेबल पेन होता है, ऐसा लगता है कि इतना दर्द हो गया मुझे ये सोच के भी डर लगता है। अभी भी मैं अगर सोचूं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो जहन में वो चीज़ है कि ऐसा दर्द ना हो फिर से, क्योंकि ये बहुत ही डरावना एक फेस होता है क्योंकि वो दर्द एसोसिएटेड होता है डायरिया के साथ। जिनको IBS डायरिया होता है तो उसके साथ साथ वो प्रॉब्लम चलता रहता है और ये फेज चलता है लाइफ का बहुत ही डार्क फेज। वहाँ पे मैंने ये सारे मेडिसिन ट्राई करने के बाद एक दिन जब थका हारा मैं, मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था 2-3 दिन से, कोई भी दवा काम के कर नहीं रहा था, तब मुझे एज अ ब्लेसिंग ये एक दवा मिला। मैं इसको रिवील करता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो ये है इसका पैकेजिंग अभी और इसका नाम है ड्रॉटिन एम। ठीक है, ड्रॉटिन एम ये रामबाण दवा है एब्डोमिनल पेन के लिए। जी हाँ, किसी भी एब्डोमिनल आप ड्रग ले लो, बहुत महंगा महंगा ड्रग मैंने ट्राई किया था, कोलोस्पा एक्स बोल के एक ड्रग आता है मार्केट में। मैं नहीं कह रहा कि ख़राब है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सारे सारे ड्रग्स ट्राई करने के बाद मुझे पता चला कि ड्रोटीन एम जैसा अच्छा काम शायद ही कोई ड्रग करता हो, शायद ही कोई दवा करता हो फॉर स्टोमक पेन एब्डोमिनल पेन, जो पेन होता है डायरिया रिलेटेड IBS क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, या फिर अभी तो ये ड्रोटीनेम ये भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है जब भी रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल पेन होता है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो पेन होता है वहाँ पे भी ये दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये मेडिसिन। और उससे बाद जब मैं ये मुझे मैं ऑन द वे था तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैं चला नहीं पा रहा था इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने रुक गया और बारिश भी हो रहा था, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट अ ड्रग। तो नियर बाई शॉप में, क्योंकि डॉक्टर्स के दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन दवा कुछ काम नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट मेडिसिन शॉप था वहाँ पे मैंने पूछा कि कुछ दवा जिससे कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो पाऊँ, अदरवाइज मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगा। तो 2-3 दवा उन लोगों भी सजेस्ट किए, तो उनमें बाकी सारे दवा तो मैंने ट्राई कर चुके थे, मैंने ये दवा बाकी था तो मैंने सोचा ठीक है एक बार ड्रोटीन, क्योंकि ड्रोटीन DS मैंने ट्राई किया था पहले, अच्छा काम नहीं किया, तो ड्रोटीन एम था उनके पास, तो मैंने कहा ठीक है ड्रोटीन एम ट्राई ट्राई करके देखो। तो ड्रोटीन एम में ऐसे ही एक तभी लिया, विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट के अंदर इट स्टार्टेड एक्टिंग, और मतलब फिर घर आते आते ऐसे गायब हुआ वो जो पेन था जैसे मानो गधे के सर से सींग। तो इस हिसाब से उसके बाद मैं हमेशा घर पे ये रखता हूँ, अभी भी मेरे घर पे रहता है, हालांकि अभी IBS से मैं उबर उबर के आ चुका हूँ। मैं वीडियो भी बनाया कि कैसे आपको IBS से नॉर्मल लाइफ में आप बैक कर सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते हो विदाउट एनी मेडिकेशन, फिर भी मैं इसको रखता हूँ घर पे हमेशा, क्योंकि बहुत बार बहुत कारण घर में भी जो मेरे बुजुर्ग लोग होते हैं मेरे फैमिली के, उनको कुछ रिलेटेड टू डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन कुछ दर्द रिलेटेड प्रॉब्लम आए, एब्डोमिनल क्रैम्प आए, तो मैं यही देता हूँ, इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, असर बहुत अच्छा करता है। तो ये तो इमोशनल साइड हो गया ड्रोटीन एम से जुड़ा। अभी बात करते हैं ड्रोटीन एम में ऐसा क्या है जिससे कि ये चीज बहुत अच्छा काम करता है। देखो यहाँ पे 2 मेडिकेशन है, एक तो है ड्रोटावेरिन, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड है, उसके साथ मेफेनामिक एसिड है। ड्रोटावेरिन एक ऐसा ड्रग है जो आपकी जो स्टोमक का जो मसल है जिसमें स्पैजम हो जाता है, जो जो मसल बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है उसके कारण दर्द होता है पेन होता है, उस मसल को रिलैक्स कर देता है।
मसल को जब भी रिलैक्स करेगा तो ऑटोमेटिकली खाना जो है बहुत अच्छी तरीके से पास होगा और दर्द नहीं होगा। और दूसरा जो यहाँ पे है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है वो है मेफेनामिक एसिड। मेफेनामिक एसिड एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज को इनहिबिट करता है। मतलब मेफेनामिक एसिड बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर आता है, NSAIDs। तो वहाँ पे शरीर में तैयार होता है कुछ कुछ केमिकल फैक्टर्स जिसके कारण शरीर में अलग अलग जगह पे सूजन होता है, स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन होता है। सूजन कॉजिंग जो चीज़ें हैं उसको बंद रखता है, उसको रिलीज करने में भी प्रिवेंट करके रखता है मेफेनामिक एसिड। तो ये दो जो सॉल्ट कंपोजिशन ये मिलाकर बनता है ड्रोटीन एम, और ये मैजिक की तरह काम करता है। ये कोई पेड रिव्यू वीडियो नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है बेसिकली। और यहाँ पे हमारे तरफ से अलग से इनको कोई ज़रूरत नहीं कि इसका कोई पेड रिव्यू करे। अगर आपको कभी भी रिलेटेड टू एब्डोमिनल क्रैम रिलेटेड पेन होता है, डायरिया रिलेटेड, IBS रिलेटेड, आप आपके डॉक्टर से एक बात पूछ के ये ड्रोटीन एम इस्तेमाल करें, आप बाकी सारे दवा को भूल जाएंगे, बाकी सारे पेन किलर्स जो होते हैं, एब्डोमिनल स्पैजम, मसल स्पैजम रिलैक्सेंट जो एब्डोमेन के मसल स्पैजम को रिलैक्स करे, सारे बेकार हैं, सारे के सारे। कोलोस्पाइक्स 300 से ज़्यादा प्राइस है एक एक 15 टैबलेट की पैकेट का प्राइस, आई थिंक नियर अबाउट 200 फॉर 10। बट ये एक लेने से ही आपके जो पेन है वो कम होने लगेगा, एंड दैट्स अ चैलेंज। ये आप इस्तेमाल करके देखें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आप बताएं कि ये आपकी पेट दर्द के लिए काम कर रहा है नहीं। अगर पेट दर्द आपको होता है, कोई भी बीमारी रिलेटेड पेट दर्द, जहाँ पे नॉट रिलेटेड टू ट्यूमर और कैंसर में बोल रहा हूँ, डायग्नोस होना चाहिए कि पेट दर्द जो है डायरिया के कारण हो रहा है, इधर इन्फेक्शियस डायरिया या फिर नॉन इन्फेक्शियस डायरिया जो जिसको ट्रेवलर्स डायरिया बोलते हैं, जो कि IBS में होता है, ठीक है, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज है जो कि इन्फ्लेमेशन है बावल में। तो वो सारे के सारे बीमारी में जो पेट दर्द होता है, ड्रोटीन एम उसमें रामबाण दवा है, इलाज है, ऑल इन वन, इज अ किंग ऑफ ऑल द अदर पेन किलर्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो मुझे कोई साइड इफेक्ट कभी लगा नहीं है, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट के तौर पे कुछ है नहीं बोलने लायक। हाँ, अब रिलेटेड टू कोई भी एंटी डायरियल ड्रग ले रहे हो जिससे कि पेन कम हो जाइए, तो वहाँ पे रिलेटेड टू लाइक कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा बहुत नॉजिएटेड, ये सब हो सकता है, ये मिक्स सिम्टम्स हैं, मगर पर्टिकुलरली इस ड्रग का डायरेक्टली ऐसा कोई साइड इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। तो अगर पेट दर्द है आपको तो आप ये ड्रग इस्तेमाल करके देख सकते हो, ये मेडिसिन, ये दवा इस्तेमाल करके देख सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। ओके, सो दैट्स अ जेन्युइन रिव्यू ऑफ ड्रोटीन एम टैबलेट। ड्रोटीन एम टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज़ करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।